बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं वॉइस मैसेज की जानिब, जो हमें कमालिया से आया है। लिखा हुआ, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, कमालिया सिटी डिस्ट्रिक्ट टोबा से बात कर रहा हूँ। अगर आपकी कॉल रिसीव करने का टाइम पता चल जाए तो एन नवाजिश होगी। खैर, मैंने इनको लिया है नहीं, कॉल्स आर नॉट एक्सेप्टेड, वॉइस मैसेज ओनली। चलें जी, अभी उनकी वॉइस भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, कमालिया से बात कर रहा हूँ जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं डॉक्टर अशरफ साहब से मुखातिब होगा। सर, मैं मशरूम फार्मिंग करना चाहता था, तो आपसे ये पूछना है कि आजकल के दिनों में, जैसे आजकल इतनी ठंड है, तो कि कौन सा ऐसा तरीका कि मैं टेम्परेचर को हाई करके 30 से 35 डिग्री के दरमियान ला सकूं अच्छा। अपने कमरे में। सर, मैंने हाँ आपकी वीडियोस भी काफी देखी है यूट्यूब पे, और मैं आपका सब्सक्राइबर भी हूँ। मुझे जी, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी अच्छा। लगी, और आप काफी मकबूल है मेरे ख्याल में यूट्यूब पे। मैंने आपके सब्सक्राइबर्स भी देखे और उनके ऊपर जो कमेंट्स हैं वगैरह सब कुछ, तो इसलिए मैं आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहता। सबसे पहले तो आमिर जी, मैं आई वेलकम यू टू माय चैनल। माय चैनल क्या, ये आपका चैनल है, ठीक है मेरी जान। और अभी मैं, चूंकि कैमरा मेरा लगा हुआ है उसके ऊपर, ये क्या इसको कहते हैं, लैपटॉप के ऊपर, अगर आपको दिखाऊं तो यू विल बी अमेज्ड टू नो कि अभी मैं जो नीचे चोगा पहने हुए है वो खद्दर है कमालिए का। कमालिया का खद्दर मुझे बहुत ही पसंद है, तो ये मोटा वाला खद्दर है, बड़ा मज़े का, इट्स एन एक्सीलेंट खद्दर। तो मैं आई वेलकम यू वंस अगेन टू माय चैनल। और बाकी रहा कि कमरे में देखें उसको हीट करने के लिए, कोई रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं। कोयले अलबत्ता आप वो जला के कोई किसी तरह आप हीट अप कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा कमरे का। ले और कोठड़ी टाइप हो ना, वो ज़्यादा बेहतर रहती है, और उसमें आप, लेकिन हवादार होनी चाहिए ना वो, तो खुदा ना खास्ता कोयले तो आपने जलाई, या तो बाहर जला के और अंदर आके वो पूरे कोयले जो हैं गरम गरम वो रख लें, या कोई हीटर का और अरेंजमेंट हो सकती है तो वो कर लें, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाला तो महंगा पड़ेगा। सस्ता तरीका तो यही है कि आप इसको गरम करें, गरम रखें, और इतना भी गरम ना करें, वैसे तो हो जाएगा बहुत, लेकिन ये है कि ह्यूमिडिटी भी रखनी होती है ना, तो उसके लिए आप भले एक साइड पे आप वहीं पे अंदर ही कोई हीटर लगा के, जब या कोई चूल्हा जला रहे होंगे तो उसके ऊपर पानी रख दें, और पानी रखेंगे तो बुखारात उड़ेंगे, या वो गरम गरम पानी नीचे रेत वेत हो और उसको कर दिया, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी, और इस तरह आप लोग कर सकते हैं, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। बेहतर तो ये है कि थोड़ा इंतज़ार कर लेनी, ये एक दो महीने की बात है, ये मार्च में आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा, आपको नेचुरल क्लाइमेट मिल जाएगा और जिसमें ये अच्छी ग्रो कर जाएगी। बाकी कोई मसला हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे मशरूम वाले, आपने इतने प्रोग्राम्स मैंने दे रखे हैं दोनों चैनल्स पे ही, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट्री भी दी हुई है, और उससे भी रहनुमाई हासिल हो जाती है। और वैसे भी मैं, आपको पता है, चूँकि मेरा ये पैथोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है बहुत बड़ा, और इस पर मैंने किताबें भी लिखी हैं, प्लांट डिजीज़ एंड देयर कंट्रोल, ये तो फंगस है और ख़ास तौर पे बड़ी यूज़फुल फंगस है, बेसिडियोमाइसीट्स से, तो ये दिस इज़ एन एक्सीलेंट
और यूजफुल फंगस है, और इसको ग्रो करें और खूब पैसे कमाएं और इसको खाएं भी। बटन मशरूम तो मैं कच्ची भी खाता हूँ। इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन और खास तौर पे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, और पूरे कमालिए को सलाम और सबको मेरी तरफ से और दुआओं के लिए अर्ज है। फी मान ला अल्लाह अकबर कबीर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद।